आइए स्टार्ट करते हैं ओरिकल की क्लास। ओरिकल की क्लास में इस समय हम फंक्शन पढ़ रहे हैं। फंक्शन में हमने प्रीवियस वीडियो में जो फंक्शन पढ़े थे उनमें से आपको मैंने बताया था स्ट्रिंग फंक्शन। अब उसी के आगे आज हम सीखेंगे स्ट्रिंग फंक्शन के आगे डेट फंक्शन। कुछ डेट और टाइम से रिलेटेड फंक्शन ओरिकल में पाए जाते हैं जिनको डेट फंक्शन के नाम से जाना जाता है। डेट में विभिन्न प्रकार के टास्क को हम परफॉर्म कर सकते हैं। वो कौन से फंक्शन हैं आज हम सीखेंगे इस वीडियो में। इसके साथ साथ कुछ मैं स्पेशल फंक्शन भी आज की वीडियो में बताऊंगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं ओरिकल भी स्टार्ट कर लेता हूँ। ओरिकल मेरे पास ऑलरेडी रन है ये, और यहाँ पे मैं सबसे पहले आपको फंक्शन बताना चाहूँगा। डेट फंक्शन में सबसे पहला फंक्शन होता है सिस डेट। ये डायरेक्ट आप इसको लिख सकते हैं, ड्यूअल टेबल के साथ काम करेगा। सिस्टम डेट को ये डिस्प्ले करेगा, सिस डेट आप नोट कर लीजिए। सेलेक्ट सिस डेट फ्रॉम ड्यूअल, जैसे करेंगे सिस्टम की डेट ये डिस्प्ले करेगा। ओके, इसी प्रकार से अगला फंक्शन है नेक्स्ट डे। नेक्स्ट डे यानी कि इसमें हम ये जान सकते हैं कि अगला डे कब पड़ेगा। जैसे मैं एग्जांपल लिखता हूँ और यहाँ पे इसको रन करूँगा। ये आज जो भी होगा सिस डेट में, आज जो डे है, अब हम ये देखें कि वेडनेस डे कब आएगा। बीडी मतलब वेडनेस डे। तो हम ऐसे चेक कर सकते हैं, इस फंक्शन को हम लगाएंगे और ये बता देगा वेडनेस डे जो हमारा पड़ रहा होगा 30 को पड़ रहा होगा। इसमें चेक करेंगे आप आज क्या है, आज वेडनेस डे ही है और अगला जो वेडनेस डे है हमारा कब है 30 को। मान लीजिए मैं यहाँ लिख देता हूँ मंडे, MON, और इसको रन किया 28 को। मंडे कब पड़ेगा हमारा, आप चेक करें इसमें 28 को। इस तरीके से नेक्स्ट डे आप चेक कर सकते हैं कि कौन सा डे होगा इस फंक्शन के माध्यम से। समझ गए होंगे, आप इसको नोट कर लीजिएगा नेक्स्ट। ऐसे ही ऐड मंथ, मंथ को जोड़ा जा सकता है, बढ़ाया जा सकता है। कैसे, एग्जाम्पल आप कॉपी पेन में नोट करते जाइए, जो फंक्शन मैं बता रहा हूँ आप कॉपी और पेन उठाइए और उसको नोट करिए। आज जो मंथ है उसमें 2 प्लस कर दिया 11। आज मंथ कितना है 9, आपको मालूम है 9 मंथ है, सितंबर चल रहा है। सितंबर में दो जोड़ेंगे तो अक्टूबर, नवंबर, नवंबर आ जाएगा 11। एक जोड़ता मैं कितना आ जाएगा 10 अक्टूबर। यदि मैं 5 जोड़ दूं तो कितना आ जाएगा फरवरी। दिसंबर के बाद ऑटोमेटिक काउंट कर लेगा जनवरी और फरवरी। यदि मैंने 5 प्लस किया आज के मंथ में तो हमको क्या मिलेगा, फरवरी मिलेगा। ओके, तो ये तीनों फंक्शन आपके क्लियर हो गए। लास्ट डे, जो भी मंथ होगा उसका लास्ट डे क्या होगा वो आपको बताएगा 30। यानी कि सितंबर कब का है, सितंबर है, सितंबर का लास्ट कितना है 30। लास्ट डे निकाल देगा, इससे हम लास्ट डे निकाल सकते हैं। ऐसे बहुत सारे फंक्शन पाए जाते हैं। टाइम से भी रिलेटेड फंक्शन है, डेट से भी रिलेटेड फंक्शन है। टाइम और डेट जैसे हमने अदर प्रोग्राम में पढ़ा वैसे भी यूज कर सकते हैं। टाइम में अलग अलग आवर, मिनट्स, सेकंड निकाल सकते हैं। वैसे ही डेट में ईयर, मंथ सब निकाल सकते हैं। कुछ स्पेशल फंक्शन भी मैं इससे रिलेटेड आपको बाद में बताऊंगा, और कुछ मैंने कन्वर्जन के समय बताया भी था अलग अलग यूज करके। यहाँ पे मेन मेन फंक्शन बता रहा हूँ। ऐसे ही मंथ बिटवीन फंक्शन आप ये लिखते चलना है फंक्शन के नेम। सिस डेट लिखा आपने, नेक्स्ट डे लिखा,
एड मंथ लिखाओ, लास्ट डे लिखाओ अपने। अब लिखिएगा आप मंथ बेटवीन। बेटवीन मंथ का मतलब है कि दो मंथ के बीच में कोई डेट निकालना। कैसे? आज की डेट है मंथ, सिस डेट मतलब आज का हुआ, और हायर डेट ना लेके हम ले लेते हैं डीओबी। हमारे पास डीओबी फील्ड बनी है, डीओबी से और आज के बीच में क्या मंथ में डिफरेंस है वो हम निकालेंगे एडीएम टेबल। मैंने इसको रन किया, ये इतना पॉइंट में मंथ का इतना अंतर आ रहा है, क्योंकि डीओबी में हमारी डेटा बर्थ स्टोर है और उसमें जा करके और आज की डेट में मंथ में इतना डिफरेंस है। चलिए मैं एक बार उसमें आज की करंट डेट स्टोर करा के आपको दिखा देता हूँ। चले एडीएम, ये हमने हमारी टेबल है उसमें देखिए डीओबी 90-92 ऐसे इसने निकाला था, जिससे आपको समझ में आ जाए। इंसर्ट इनटू एडीएम बैलेंस, और यहाँ पे मैं दे देता हूँ एडमिशन नंबर 3 और डीओबी। डीओबी में मैं करंट डीओबी दे रहा हूँ, जिससे ज़्यादा आपको डिफरेंस समझ में ना आए। एक 2/5/2019 ओके, और कामा 1 रिकॉर्ड मैंने ये स्टोर किया ओके। एक और स्टोर कर देते हैं, आपको मैं कर देता हूँ 5, यहाँ कर देता हूँ 6 और कर देता हूँ ओके। दूसरा रिकॉर्ड मैंने ये स्टोर किया यूनिक की, रिकॉर्ड नंबर चेंज कर देते हैं, इंटीग्रिटी कॉन्स्टेंट इंप्लीमेंट है। अब आप चेक कर लीजिए रिकॉर्ड आपके पास ये हो गए। अब मैं इसमें ये क्वेरी इंप्लीमेंट करता हूँ, अब किसमें कितना डिफरेंस है मंथ में, मंथ की बात हो रही है, बिटवीन मंथ, मंथ में जो डिफरेंस है वो आपको निकाल के यहाँ पे दिखा रहा है। एक रिकॉर्ड में करंट का भी स्टोर कर रहा हूँ 5 नंबर। अब मान लो हमारा सितंबर है, तो यहाँ पे मैं स्टोर कर देता हूँ एट 2020 ओके। ये रिकॉर्ड एक में इंसर्ट कर रहा हूँ ओके, इस रिकॉर्ड को मैंने इंसर्ट किया। अब इस क्वेरी को मैंने चलाया, इस क्वेरी में मंथ भी देख लेते हैं और डीओबी भी देख लेते हैं, जिससे आपको क्लियर रहे। यहाँ पे मैं डीओबी भी डिस्प्ले करा देता हूँ, एस नेम भी करा लेते हैं और डीओबी भी करा लेते हैं। इसको मैंने रन किया, ये डिफरेंस निकाल के आप अब इससे समझ सकते हैं एक मंथ का डिफरेंस है। पॉइंट जो डे बचते हैं उसको किसमें कन्वर्ट कर देता है, ये पॉइंट भी कर देता है। तो इस प्रकार से, क्योंकि यहाँ पे हमने 8 अगस्त स्टोर कराया था, अब चूंकि डे से डे भी निकालता है, पॉइंट में निकाल कर ये बताता है हमको। तो इस प्रकार से हम मंथ को भी कन्वर्ट करके चेक कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारे फंक्शन हैं, आप कुछ फंक्शन इसके यूज कर लीजिएगा, मैंने बोला था। इसके अलावा कुछ आपको स्पेशल फंक्शन भी मैं अभी बता देता हूँ यहाँ पे। कन्वर्जन फंक्शन तो आपको बता ही दिया था, अब अगला एक लिख लीजिएगा स्पेशल फंक्शन। आप ऐसे हेडिंग डालिएगा स्पेशल फंक्शन, टर्न सी और राउंड फंक्शन, शायद मैंने बताया होगा वहाँ पे, थोड़ा सा इसमें डिफरेंस होता है। राउंड फंक्शन टू राउंड द नंबर ऑफ नियरेस्ट वैल्यू, नियरेस्ट वैल्यू में राउंड करता है। टर्न सी इसको क्या कर देता है, ट्रंकेट कर देता है, सब पोजीशन से डिलीट कर देता है। लगभग दोनों सेम वर्क करते हैं, ये आप मालूम है, थोड़ा सा डिफरेंस होता है। एक तो मैं चला के दिखा देता हूँ, कभी कभार ये फंक्शन पूछ लेते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पर बताया ट्रंकेट और राउंड फंक्शन, ये आप नोट कर लीजिएगा। फंक्शन में चला के आपको दिखा रहा हूँ,
ये देखिए इसने क्या किया, राउंड कर दिया, 6 5 से हटाकर सीधा हमारा बिना दशमलव की वैल्यू को उसने डिस्प्ले कर दिया। ऐसे थोड़ा थोड़ा डिफरेंस होता है, यदि उससे कम वैल्यू होता तो हमारा क्या कर देता, मैं यहीं पे समझा देता हूँ, 55 था तो सीधे कर दिया 56 कर दिया, आप समझ रहे होंगे। यदि ये 5 से कम की पॉइंट की वैल्यू होती, 4 आ जाता तो इसको किस में कर देता, 50 में कर देता, फिर राउंड ऑफ नेक्स्ट ना करता, यानी कि दोनों में अंतर क्या है, नेक्स्ट नीरेस्ट इंटीजर वैल्यू में इसने कन्वर्ट किया और इसको प्रीवियस नीरेस्ट वैल्यू में कन्वर्ट किया, प्रीवियस मतलब जो हमारी करंट वैल्यू थी। ओके, यदि 5 से अधिक होता है यानी कि 6 था तो अगली वैल्यू राउंड ऑफ हो जाती है, आप मालूम है, यदि 5 से कम होता है तो पीछे। इफ द डेसिमल पार्ट ऑफ द ग्रेटर देन, यदि 50 से ग्रेटर देन डेसिमल पार्ट, यू विल बी गेट द नेक्स्ट इंटीजर वैल्यू, ये यहाँ पे आप नोट में लिख लीजिएगा। डेसिमल लेस देन, यदि 50 से कम है तो आपका क्या आ जाता है, प्रीवियस इंटीजर, कब प्रीवियस आता है और कब नेक्स्ट आता है, ये मैंने आपको समझाया। टनकेट सेम काम करता है, टनकेट टन सी लिखेंगे तो भी वही है, राउंड के पीछे के दशमलव की वैल्यू हटा देगा लेकिन उसको राउंड ऑफ नहीं करेगा, आगे पीछे नहीं बढ़ाएगा, यानी कि नेक्स्ट इंटीजर वैल्यू नहीं देगा ना प्रीवियस इंटीजर वैल्यू देगा, सिर्फ उसको वहां से टनकेट कर देगा। दोनों को चला के मैं आपको दिखा देता हूँ, ये दोनों मेरा फंक्शन एक साथ है, मैं आपको दोनों को एक साथ रन करके दिखा देता हूँ, दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस बताने की कोशिश किया मैंने। ये देखिए इसने यहाँ से टर्नकेट कर दिया, इतना पार्ट हमारा हटा दिया, सिर्फ 25 आया, और राउंड फंक्शन क्या किया, इसको 25 को राउंड करके क्या कर दिया, 26। गुड, दोनों आप एक साथ चलाएंगे, दोनों फंक्शन आपको समझ में आ जाएंगे, टर्न सी और प्लस राउंड फंक्शन का यूज। ओके, ये स्पेशल फंक्शन है, कुछ मैं आपको बता देता हूँ स्पेशल फंक्शन भी, इसलिए मैंने आपको बताया, हेडिंग डाल लीजिए स्पेशल फंक्शन। परपज आप ओरिकल में एक दो स्पेशल फंक्शन और यूज किए जाते हैं, ग्रेटेस्ट और एक होता है जिसको लार्जेस्ट वैल्यू हमको जो प्रोवाइड करता है, और एक होता है लीस्ट जो लोवेस्ट वैल्यू हमको प्रोवाइड करता है। ये मिनिमम और मैक्सिमम की तरह ही होते हैं लेकिन इनमें थोड़ा सा डिफरेंस पाया जाता है, डिफरेंस ये होता है, इन बोथ फंक्शन यू कैन यूज द नंबर एज वेल टेस्ट वैल्यू, इनका यूज हम नंबर और टेस्ट वैल्यू में भी कर सकते हैं, इसके साथ साथ हम डेट में भी इसमें इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, डेट टाइप में भी, यानी कि सीधा सीधा हम इसका यूज कहाँ कहाँ कर सकते हैं, देखिए कि आप नंबर के रूप में भी कर सकते हैं, टेक्स्ट के रूप में भी कर सकते हैं और डेट के रूप में भी कर सकते हैं। तो आइए मैं एक एक करके इनको सिखा देता हूँ। यदि नंबर के रूप में आप ग्रेटेस्ट वैल्यू यूज करते हैं, एग्जाम्पल को बनाते हैं, तो आपको क्या मिलेगा, ओके एक एग्जाम्पल आप नोट कर लीजिएगा, ये टाइप की आपको दिख रहा होगा, सेलेक्ट ग्रेटेस्ट, मैं अलग अलग नहीं यूज करके एक साथ दोनों फंक्शन यूज कर रहा हूँ यहाँ, ग्रेटेस्ट एज ए, ये आपका मालूम है ये क्या है, ग्रेटेस्ट चेक, ये आपका एज ए स्ट्रिंग है, शायद मैं पढ़ा चुका हूँ आपको, एज ए यूनिफाइड नेम है, हम एज करके दे सकते हैं, और लिस्ट में हमने ये दिया एज ए लिस्ट चेक वैल्यू फ्रॉम टू वन, मैंने इसको रन किया, चेक कर लेता हूं एक बार, ग्रेटेस्ट, चलिए मैं अलग अलग आपको पहले दिखा देता हूँ, सेलेक्ट ग्रेटेस्ट फ्रॉम डुअल, आप इतना नोट करिएगा पहले, इसमें एज ए स्ट्रिंग ना करके फ्रॉम डुअल, इतना आप नोट करिएगा, ये आ गया समझ में, इसको लिखिएगा, इतना पार्ट चलाइएगा, इतना अलग अलग पार्ट करके मैं आपको चेक करा देता हूँ। ओके, ये तो ये आपको मैंने यहाँ पे डिफाइन किया, इसमें आपको ग्रेटेस्ट वैल्यू ही निकालेगा, ग्रेटेस्ट वैल्यू, इसमें आपको मालूम है सबसे लार्जेस्ट वैल्यू क्या है, 65, तो 65 इसने लिखा है। अब मैंने यहाँ जो लिखा था एज ए नेम, आप यहाँ स्पेसिफाई कर सकते हैं, धीरे धीरे आपका कमांड बढ़ाता हुआ मैं
जिससे आपको समझ में आ जाए। यहाँ पे आप ऐसे नाम लिख सकते हैं एज ए स्ट्रिंग, उस नाम का क्या इफेक्ट पड़ता है मैं आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पे जो हम नाम लिखेंगे देखिए, ये यहाँ लिख के आ जाता है, ये नाम आप एज ए स्ट्रिंग है कुछ भी दे सकते हैं, हम अपने अकॉर्डिंग जी एस टी नंबर ऐसे हमने लिख दिया, जी एस टी से नहीं मतलब उसका, ये देखिए ये लिख दिया। आप जी लिखना है जी पर लिख, जी नंबर ग्रेटेस्ट नंबर, इस प्रकार से हम इसको सेट कर सकते हैं। ये जो यहाँ देंगे वो मेन ग्रेटेस्ट का मतलब हुआ कि सबसे लार्जेस्ट वैल्यू इसने निकाला। अब जैसे मैंने इसको लिखा, अब यहीं पे मैं या तो पहले एक अलग से बता देता हूँ आपको लोवेस्ट के लिए, और फिर इसके बाद दोनों को मिला के भी मैं चला के दिखा दूंगा। ओके, ये मैंने लोवेस्ट के लिए लिया, लीएस्ट के लिए, और इसको मैंने डिलीट किया। ग्रेटेस्ट की जगह मैं यहाँ क्या कर दिया, लीएस्ट वैल्यू दे दिया, और ये नाम तो आप दे सकते हैं जो आप देना चाहें। जैसा कि मैंने अब आपको बता दिया, ये स्ट्रिंग होती है हमारी, जो स्ट्रिंग हमको प्रिंट कराना हो वो स्ट्रिंग हम यहाँ पे दे सकते हैं। अब मैंने इस फंक्शन को सेलेक्ट किया, रन किया, ये सबसे लोएस्ट वैल्यू बताएगा, लीस्ट वैल्यू हमारी 3 है, इसमें ग्रेटेस्ट 65 थी। अब मैं दोनों को मिलाकर भी चला सकता था, वही यहाँ पे पहले कर रहा था मैं। अब आपको मिला के चलाने के लिए क्या करना है, ये आप यहाँ से कट करेंगे और यहाँ पे आपको कुछ मिस रहा होगा उस समय कामा लगा देंगे और ऐसे आप रख देंगे। देखिए अब मैं एक साथ पूरा इसको सेलेक्ट करता हूँ, दो फंक्शन एक साथ मैंने कॉल किया, दोनों एक साथ हमको वैल्यू मिल गया। थोड़ा सा यहाँ इंटर कर लीजिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा, ये पूरा कमांड मैंने एक साथ चला दिया। ओके, आप ऐसे एक साथ पूरा कमांड चला सकते हैं। यहाँ भी मैं सही लिख देता हूँ, ग्रेटेस्ट नंबर या चेक, जो भी आप देना चाहिए। ये आपकी स्ट्रिंग है और इसको रन किया, ये देखिए आपने दोनों वैल्यू आपको मिल जाएंगे। तो ये दोनों समझ में आ गया होगा, लेकिन ये दोनों फंक्शन जो अभी मैंने चलाया नंबर पे चलाया, इनके कई एग्जांपल्स हम यूज कर सकते हैं। मैंने अभी आपको नंबर पे बताया, नंबर के अलावा हम यूज कर सकते हैं किसमें, स्ट्रिंग। अब स्ट्रिंग में आप कंफ्यूज ना होइएगा, स्ट्रिंग में कैसे आप यूज करेंगे ये मैं थोड़ा सा आपको दिखा देता हूँ। नंबर में तो आपको बता दिया ठीक है, लेकिन आप स्ट्रिंग में इसको यूज कैसे करेंगे या कैसे रन करेंगे, करेक्टर ये सिंगल कोट हमारे प्रॉब्लम कर रहा है, सिंगल कोट हमको फिर से लगाना पड़ेगा। आपको इसमें ये समझना पड़ेगा कि ये कैसे निकालेगा ग्रेटेस्ट और लीस्ट वैल्यू, या तो लेंथ काउंट करेगा, किस बेस पे निकालेगा। तो मैं आपको ये बात क्लियर कर दूँ, तब तक फंक्शन मैं सही कर रहा हूँ और आपको बताता भी चलूँ कि ये जो वैल्यू काउंट करेगा अल्फ़ाबेट के आधार पर करेगा, अल्फ़ाबेट सॉर्टिंग के आधार, जो नाम पहले आता है ए बी सी, इस आधार पर लीस्ट और ग्रेटेस्ट वैल्यू जो ये काउंट करेगा, चेक करेगा और निकालेगा। जैसे ये देखिए रूबी, अब रूबी जो है कौन सी वैल्यू ग्रेटेस्ट, सबसे बात एफ पहले आता है, ई पहले आता है, जे पहले आता है, सबसे लास्ट में क्या आएगा रूबी, अल्फाबेट ए से जेड के बीच में, तो ए से जेड के बीच में सबसे लास्ट अल्फाबेट कौन सा कहलाया, आर, इसलिए इसने किसको दे दिया रूबी। अब आप चेंज करके भी बाद में निकाल, ओके, लिस्ट में क्या दिया इसने ई, क्योंकि ई सबसे पहले हो, एफ बाद में आता है, आर बाद में आता है, जे बाद में आता है। अब मैं एक छोटा एग्जाम्पल इसमें चेंज करके दिखा देता हूँ, राम, ठीक है, और ए से लिख दिया मैंने आनंद, ठीक है, और बी से मान लिख दिया बॉय, ठीक है, और सी से मैंने लिख दिया कैट। अब देखिए चेक करता हूँ, आर हटा देता हूँ क्योंकि आर से आप यूज कर चुके हैं, जेब्रा लिख दिया, जेड से सीधा मैंने लिख दिया, ठीक है, और यही वैल्यू मैं इसमें भी कर देता हूँ, दोनों में सेम कर देता हूँ, दोनों में सेम,
और चेक कर लेते हैं लिस्ट और कौन सी वैल्यू को मिलेगी, तो मिलेगी जेड सबसे और ए सबसे दो। अब आप समझ गए होंगे जेड सबसे लास्ट लार्जेस्ट नंबर मानेगा और ए आपका क्या मानेगा, ओके। अब मैं थोड़ा लेकिन वो मिसमैचिंग हो जाएगी, मान लीजिए ए कैपिटल में एक कर देता हूँ, ओके ए कैपिटल मैंने कर दिया, अब देखिए क्या करेगा, आप चेक कर लीजिएगा अपने अकॉर्डिंग चेंज करके ए कैपिटल, ओके। क्योंकि स्ट्रिंग सेम होनी चाहिए, या तो कैपिटल लिखना या तो स्मॉल लिखना, उसके अकॉर्डिंग आप डिस्प्ले करना, ओके। इस प्रकार से आप स्ट्रिंग में भी इसको यूज कर सकते हैं। नंबर में मैंने आपको बता ही दिया, नंबर हो गया, स्ट्रिंग हो गया, एज ए नंबर स्ट्रिंग में मिक्स कर सकते हैं, लेकिन जो छोटा नंबर होगा वो पहले देगा, जो बड़ा नंबर होगा वो बाद में देगा एज ए रिजल्ट, जैसे ये आप समझ गए होंगे। ये नंबर में स्ट्रिंग के रूप में नंबर भी आप दे सकते हैं, ऐसा भी चेक कर सकते हैं। तो ये आप देख लीजिएगा नंबर और इसको चेक करके। अब मैं एक एग्जाम्पल डेट से रिलेटेड आपको जरूर बता दूँ, ये एक एग्जाम्पल आप नोट कर लीजिए डेट से रिलेटेड। डेट से रिलेटेड आपका एक एग्जाम्पल होगा, सिंगल कोट की प्रॉब्लम होगी, ग्रेटेस्ट टू डेट हमने 25 मार्च 2017 ग्रेटेस्ट फंक्शन हमने कॉल किया टू डेट 17, बड़ा सा बड़ा फंक्शन हो जाएगा हमारा ग्रेटेस्ट लिस्ट टू डेट, थोड़ा सा इसमें हमको चेंजेस करने की आवश्यकता होगी, मंथ को हमें इधर देना पड़ेगा क्योंकि हमारा जो 11 जी है वो जो एक्चुअल में मंथ लेगा वो 1 2014, ऐसे आपको डेट चेंज करने की आवश्यकता होगी। आप डेट चेंज करेंगे 7 7 और इसमें भी मैंने चेंज किया और इसको भी मैं चेंज कर देता हूँ, इस तरीके से आपको देना होगा। प्रीवियस वर्जन में जो फॉर्मेट यूज होता था वो फॉर्मेट आपका एक्चुअल में ये फॉर्मेट होता था, लेकिन 11 जी में जो फॉर्मेट हमारा यूज होता है वो आपको मैंने बताया है, इस फॉर्मेट में हम डेट को स्पेसिफाई करते हैं। इसके बाद आप इसको चलाएंगे मन और इसको चेक करेंगे 25 7 7 7, ये देखिए ये हमने डेट फॉर्मेट आप चेंज कर लीजिएगा। इसमें पहले एक्चुअल में क्या लेता है, मंथ लेता है, बाद में डे लेता है, इसको आपको चेंज करना है। इस आप कमांड को मैं एक जगह आपको सिस्टमेटिक लिख देता हूँ जिससे आप टाइप कर लें, और इसके बाद ये जब आपका हो जाएगा ये देखिए आपको ग्रेटेस्ट डेट आपको ये निकाला इसने और जो लिस्ट डेट आपको निकाला है वो ये निकाला है। आप चेक कर लीजिए एक बार, वीडियो बहुत बड़ा हो रहा है इसलिए ये मैंने आपका कमांड पूरा सही कर दिया है। इसको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा जिससे आपको टाइप ना करना पड़े, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स से आप सीधा इसको कमांड को उठा लीजिएगा। मैं यहाँ पे इस कमांड को लिख देता हूँ जिससे आप सही तरीके से लिख लें। इसको कई तरीके से रन किया जा सकता है डेट को, ये आपका फाइनल कमांड। सिर्फ आपको डेट फॉर्मेट सही करना है क्योंकि वो प्रीवियस वर्जन के हिसाब से वाई डेट इस कमांड में लिखी हुई थी और अब 11 जी में डेट कमांड हमारी अलग होती है। ये आप कमांड नोट कर लीजिएगा, इस कमांड को मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा जिससे आप डायरेक्ट वहाँ से कॉपी कर सकते हैं, ओके। तो आज का वीडियो यहीं पर क्लोज करूँगा, ओके, थैंक्स।